अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है, बावजूद इसके फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आ रही। इतने अच्छे और चैलेंजिंग सब्जेक्ट पर बनी फिल्म आखिर क्यों फ्लॉप होने के कगार पर है? नंबर एक, मुरुगनाथन इतना बड़ा नाम है, यूएन से लेकर पद्मश्री तक उनके जीवन की उपलब्धियां हैं, लेकिन फिल्म लिखने वाले ने उनके किस्सों को लेकर कई बड़ी चूक कर दी। उनके जीवन को सही तरह से कलम ही नहीं मिल पाई। नंबर दो, मुरुगनाथन की जिंदगी में परेशानियां कम नहीं थी, लेकिन फिल्म को लिखते समय उनकी परेशानियों को गहराई से नहीं छुआ गया। जिसका पूरा परिवार छूट जाए वो जिंदगी में कितना टूट जाता है, इस बात का फिल्म में जिक्र तक नहीं है। नंबर तीन, पीरियड के दौरान महिलाओं को कितनी शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये फिल्म में दिखाया ही नहीं गया, सिर्फ बता दिया गया है। पीरियड के दौरान महिलाएं राख और पत्ते का इस्तेमाल करती हैं, कई बार इन्फेक्शन के चलते उनकी मौत तक हो जाती है। इस तरह के सब्जेक्ट को फिल्म में सही तरह से स्पेस मिलना चाहिए था। नंबर चार, ये इतना इमोशनल सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी फिल्म में इमोशंस कम हैं। एक भी सीन आपकी आंखों में आंसू नहीं ला सकता, ये फिल्म की बड़ी असफलता है। फिल्म में कैमरा अक्षय के अलावा कहीं पैन ही नहीं किया गया। अगर फिल्म का मेन सब्जेक्ट पीरियड है तो उसे फिल्म में स्पेस मिलना चाहिए था। ये कुछ ऐसी वजहें हैं जिनके चलते फिल्म अपनी तरफ दर्शकों को नहीं खींच पा रही। अक्षय और राधिका ने कमाल की एक्टिंग की है, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट के चलते फिल्म फ्लॉप होने की कगार पर है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट के जरिए बताइए, और बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।